गाँव का सीमा पता है मुझ पर गैंगस्टर है मेरे पास। यूपी में योगी का डर बदमाशों के सर चढ़कर बोल रहा है और इसीलिए अब तस्वीरें आपके सामने हैं कि गले में तख्ती लटका कर सरेंडर करने खुद इनामी बदमाश थाने पहुंचने लगे हैं। दरअसल यूपी में पुलिस ने बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती का जो अभियान चलाया है उसकी वजह से अब फरार चल रहे इनामी बदमाश खुद थाने आकर सरेंडर कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं एनकाउंटर में उन्हें ढेर ना कर दिया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के संभल में, जहां एक इनामी बदमाश नईम ने थाने नखासा पर पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 15,000 के इनामी बदमाश नईम ने गले में एक तख्ती लटका रखी थी जिस पर लिखा था, मैंने गलत काम किया है, मुझे संभल पुलिस से डर लगता है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मैं अपराधी हूँ और आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे गोली मत मारो। जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी जो नईम है, इसने आज थाना नखासा में आत्मसमर्पण किया है। लगातार जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इनकी संपत्ति जो अवैध धन से अर्जित की गई है उनकी कुर्की की कार्रवाई भी चल रही थी। इसी के डर से ये बदमाश नईम उर्फ बड़ा पुत्र अमीन निवासी मंसूर माफी थाना नखासा क्षेत्र में आकर के आत्मसमर्पण किया है। ये 15,000 रुपये का इनामी बदमाश और गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था और इसने स्वयं आत्मसमर्पण किया है। इसको पुलिस गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस को नईम की गोकशी के केस में तलाश थी, इसके अलावा वो गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित है। पुलिस ने नईम को पकड़ने के लिए कई बार कोशिश की लेकिन वो बच निकला और इस समय फरार था। इस बारे में पुलिस लगातार कह रही है कि वो अपराधियों की कुर्की में भी लगी है और ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जो पुलिस से ज्यादा आंख मिचोली खेल रहे हैं। उनका एनकाउंटर कैसे होता है ये पूरा देश जानता है। आपको बता दें कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, उन्होंने बदमाशों को साफ लहजे में कह दिया था, या तो यूपी छोड़ दीजिए या फिर इनकी जगह कहीं और ही है। और योगी की ये बात आज सच साबित हो रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एट माइंड्स इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।